हेलो एंड वेलकम, मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज के अपने इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई। तो फ़िश फ्राई की बहुत दिनों से फरमाइश थी, मैं फ़िश ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये मैंने मसालों की तैयारी कर दी है, इसे मैं साइड में रख लूँगी और मैं फ़िश के बारे में बताऊँगी। ये मैंने बेकरी फ़िश ली है, ये मीठे पानी की मछली है और इसके मैंने आधे इंच से मोटे स्लाइसेस कराए। ये बीच का पीस लिया है मैंने, पेट मतलब उसके एब्डोमेन का पीस लिया है, सारे पीसेज में होल नहीं है। मैंने इन्हें हल्दी नमक और ऑयल लगाकर 1 घंटे तक रखा और उसके बाद मैंने इसे 7-8 पानी से धो लिया, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। बहुत अच्छी सफाई करनी पड़ती है फ़िश को पकाने से पहले, तो ये साफ़ हो गई है। अब मैं इसे कुछ मसालों से मैरिनेट करूँगी। तो देखिए किन मसालों से मैं मैरिनेट करूँगी। मैंने डाला सबसे पहले नमक, और नमक को स्वादानुसार मैंने डाला क्योंकि अब ये मसाला धुलेगा नहीं। इसमें निचोड़ेंगे 1 नींबू का रस, अच्छा बड़ा सा नींबू लेकर नींबू का रस डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डालें। 1/2 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ़िश के साथ में मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले मिलाऊंगी। ये मैरिनेशन से बहुत अच्छा नमक और नींबू उसमें समा गया है। 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है प्याज का पेस्ट, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे, डायरेक्टली फ्राई करेंगे थोड़े से पाउडर कोटिंग के साथ में। तो ये मैंने साइड में रख दिया, अब मैं इसकी पाउडर कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। तो पाउडर कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चाय का चम्मच बेसन, मीन्स चने का आटा, 2 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर मीन्स मक्के का मैदा, ये दो चीज़ें मैंने डाल दी। इसमें डालूंगी मैं ये 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया, और अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सारे पीसेस को इस पाउडर कोटिंग से कोट कर देंगे। अब ये देखिए सारे पीसेस मैंने मसाले से लगे हुए सारे पीसेस को एक एक करके इसमें डालूंगी और इस पाउडर से कोट कर दूंगी, इस पाउडर कोटिंग से कोट करके रख दूंगी। प्लेट में थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने लगाया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन लगा सकते हैं उस प्लेट में जिसमें इसे रखना है। ऐसे लगाएं कि उसकी कोटिंग उतरे नहीं। इसे 5 मिनट तक, जब तक ये सारे पीसेस में मैं ये कोटिंग लगाऊंगी उतनी देर में ये पीसेस अच्छी, ये सारे पीसेस के ऊपर ये पाउडर कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाएगी और फिर वो फ्राई करते टाइम पर उतरेगी नहीं। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने पाउडर कोटिंग से कोट कर दिया। अब मैं एक पैन में इतना ऑयल लूँगी कि ये सारे पीस बिल्कुल डूब भी ना जाए और बहुत कम ऑयल भी नहीं हो। तो लेकिन ये फ़िश इस ऑयल को सोखती नहीं है, तो इसमें इतना ऑयल डालेंगे कि सारे पीसेस अच्छी तरीके से फ्राई हो, बस इतना। करीब 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और अब एक एक पीस को मैं इसके अंदर फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। आंच को मैंने मीडियम कर दिया है, पहले आंच को तेज़ किया, ऑयल जब पूरा गर्म हो गया तो मैंने आंच को मीडियम कर दिया और अब उसके अंदर मैं एक एक पीसेस को इस तरीके से डालूंगी। और जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी पकाऊंगी। इस तरीके से पकाने में ये कोटिंग उतरती नहीं है, नॉनस्टिक पैन है और ये कोटिंग है तो इसकी वजह से ये चिपकती नहीं है तले में और बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होती है। शादियों में जो फ़िश फ्राई होती है वो इसी तरीके से फ्राई की जाती है।
और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जबकि हमने उसके अंदर कोई बहुत ख़ास मसाले नहीं ऐड किए हैं, पर फिर भी जब उसे अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं तो वो फ़िश का अपना टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके अंदर। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी होती है, बहुत जल्दी पक जाती है। फ़िश को ध्यान रखें, कभी भी ढक कर ना पकाएं और उसे ओवर कुक भी ना करें, जल्दी जल्दी पकाएं, बस इतनी देर में कि जब तक वो जल्दी से पक जाए। अब ये पक चुकी है दोनों साइड से, चारों तरफ से अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, तो मैंने सारे पीसेस को निकाल लिया और ये इस तरीके से मैंने बनाया है। तो आप भी बनाएं, और जब बनाएं तो फोटोज़ क्लिक करके मेरे FB के पेज पे पोस्ट करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।